आज दिवस के अवसर पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया है। हमने बिजली राज्य का जिक्र करते हैं, ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश, ऊर्जा हम दूसरे प्रदेशों के देते हैं, बेचते हैं, वो आय अच्छी बात है, हमारे लिए आय का जरिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस गरीब आदमी को के बारे में सोचा नहीं है। और हमने निर्णय किया था 25 जनवरी को हमने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हमने घोषणा की थी कि हम 7 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, ना मीटर का पैसा लेंगे, ना सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लेंगे, ना मीटर के 15 रुपए लेंगे। हमने तय किया था इस प्रकार से। और 60 यूनिट के बाद फिर 125 यूनिट तक कहा था कि हम 1 रुपए लेंगे, 55 पैसे नहीं लेंगे। 1 रुपए 55 पैसे यूनिट था। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है यार, आपका ये हिसाब न समझाने में बहुत मुश्किल आ गई तो लोगों को। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, क्या समझाना, सरल करना, कैसे करना। कहा कि इसको सरल करो, 125 यूनिट तक एक सबको फ्री कर दो। ऐसा लगेगा हम मानते हैं कि 350 करोड़ रुपए हम सरकार को हमको जो है उसको बहन करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख जो परिवारों के लिए हमने ये तय किया, आज हमने ऐलान कर दिया और चंबा के चौगान के ऐतिहासिक मैदान में ऐलान किया, 125 यूनिट तक 0 बिल देंगे हिमाचल प्रदेश में, कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हिमाचल के गरीब आदमी को मदद करने की। और उसके बाद उन्होंने कहा, हम साथियों से हमने कहा कि भाई यार पानी का बिल आता है गांव में, ये 33 रुपए बिल हर महीने का आता है। हमने कहा क्या करना चाहिए, बोले इस पर सोचिए, लगभग 35 करोड़ रुपए का हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेंज का नुकसान होगा इसमें। लेकिन हमने कहा हिमाचल प्रदेश में पानी पीने का फ्री देना चाहिए। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में आज हमने तय किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, गांव का रहने वाला हर आदमी को जो है पानी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बिना बिल के देंगे, उससे कोई पैसा नहीं। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने कहा और निर्णय लिया, हमारी आबादी का कुल हिस्सा जो है वो उसमें 50% महिलाओं का है, लगभग 50%। और अब की बार हमने तय किया कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से और भी बहुत सारी चीजें की। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया, 4% पर लोन का इंतजाम किया, और भी बहुत सारी चीजें हमने आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने उनकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन अब की बार आज हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा और की कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनका हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, कुल आबादी का 50% हिस्सा, उनसे किराया भी हम 50% ही लेंगे, आधा किराया देंगे। बस में सफर करेंगी हमारी बहनें, पुरुष भाई तारीफ जाओ आप लोग, अच्छा रहेगा। आपका आपके बटुए से जो पैसे निकलते थे ना, कि आज मैं बाजार चली, मेरे को शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लाना भाई, तो बटुआ तो आपका ही खुलता था मेरे ख्याल में, तो आपके बटुए में से आधे पैसे बचा दिए हमने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप कहीं आपने जाना आना छोड़ दिया, महिलाओं को ही भेजना शुरू कर दी कि तुमको 50% किराया कम मिलेगा, तुमको तुम चलते जाओ, तुम जाती जाओ।